हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे गीतों की अपनी दुनिया में। तो गाइस, हमने एक दिन शॉर्ट वीडियो में डाला था साबूदाना के पापड़, तो आज हम साबूदाने के पापड़ लेकर आ चुके हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने रात भर साबूदाना को डुबा दिए थे और अब इसे निकाल दिया। इसमें जीरा डाल दिए हैं। अब इसमें उपास का नमक लीजिए थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसे अच्छे से घुमा लेना है ताकि ये हर पार्ट में ये मिक्स हो सके। तो आप इसे घुमाते रहिए। इसे आपको अच्छे से मतलब रात में भिंगा के रख देना है और सुबह निकाल लेना है। ज़्यादा पानी में इसे मत भिंगाना गाइस, वरना ये ख़राब हो जाएंगे, इसके पापड़ अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमने चूल्हे पर एक गंजी रख दी है, इसमें गर्म पानी रख दिया है और इसमें उबाल आने तक का वेट करेंगे। जब तक हम पापड़ के लिए कुछ ढक्कन से ले लिए हैं जिसमें हम ऑयलिंग कर रहे हैं। इसमें ऑयलिंग कर दीजिए ताकि इससे पापड़ आराम से निकल जाए। तो हम इसमें ऑयलिंग कर देते हैं। अब इसमें हम एक एक से साबूदाना इसमें सेट करते जाएंगे। एक एक बूंद को इसमें सेट करते जाइए। और आपके पास ऐसे चांदनी होगी ना छेद वाली, तो उसे आप ले लीजिए और उसी में इसे रखिए। तो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में ढक्कन से रखे हुए हैं, तो हम इसमें साबूदाना सेट कर देते हैं अच्छे तरीके से। हमने साबूदाना बहुत सारा लिया हुआ है, हमें स्टोर करके रखना है, इसलिए आप कम का बना सकते हैं, आपको जितना बनाना है उतना। तो अब हम इन्हें सेट कर दिए। काफ़ी ढक्कन हमारे पास बचे हुए भी, उसमें भी डाल लेते हैं। तो अब चलते हैं इन्हें पकाने के लिए। तो चलिए गाइस, तो हमने इस गंजी के ऊपर इस चांदनी को रख दिया है और इसे 15-20 मिनट तक पकने देना है। अब बाकी के ढक्कन में भी हम भर लेते हैं साबूदाना। तो हम साबूदाना को अच्छी तरीके से ऐसे लगा देना है। तो गाइस, आपको दिखाएंगे हम लास्ट में साबूदाना के पापड़ कैसे बने। तो हम बाकी ढक्कन में भी ऐसे तेल लगा लेते हैं और इसमें साबूदाना ऐसे भर देते हैं। गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आते जा रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले आसान तरीके से साबूदाना के पापड़ उपास के लिए कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे पापड़ की ओर कि पक चुके हैं नहीं। तो हम आ चुके हैं देखने। अब इसे ओपन करते हैं। तो ये हमारे पापड़ देखिए गाइस, पक चुके हैं। अब इसे हम एक पन्नी में लेटा देंगे। पन्नी के ऊपर पहले तेल रखिए और फिर इसमें एक एक से पलट दीजिए, तो ये आराम से पलट जाएगा। सेम इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, बहुत ईजी है, उपास के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जब भी उपास रहते हैं आप इसे तल लीजिएगा आराम से। तो हम दूसरी बार आ गए हैं, दूसरे ढक्कनों में अब भर रहे हैं। साथ में भरते जाइएगा, इससे में आपके पापड़ जल्दी बनते रहेंगे। एक दो लोगों के साथ में बनाइएगा, तो हम अपनी मम्मी के साथ बना रहे हैं। तो ऐसे सेट कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, आराम आराम से। कम ही लीजिएगा वरना आपके पापड़ मोटे बनेंगे। पतले जितने पापड़ रहेंगे उतने खाने में टेस्टी लगेंगे। हालांकि टेस्ट के लिए नहीं, उपास के लिए नाश्ता है। आई होप गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आपके लिए एक व्यू है, हमने रखा है पापड़ का, देखिए गाइस। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट में बताइएगा हमने कैसे बनाए एंड आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो अब दूसरी बार हमने पापड़ को ला लिया है और इसे भी हम उसी टाइप से यहाँ ऐसे लेटा देना है। आपको जितने ढक्कन से लेना है आप ले सकते हैं और इसके एक के ऊपर एक ऐसे रख दीजिए। सो दूसरी बार हमने अब ले लिया है और अब देखिए हमारे सारे ढक्कन में भर चुके हैं। तो अब
अब चलते हैं गाइस इसे छत पर सुखाने के लिए। तो हम छत पर आ चुके हैं और ये सूख रहे हैं हमारे पापड़। आपको जीरा डालना हो तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, ऐसे ही पापड़ बना लीजिए। तो अब पापड़ हमारे सूख चुके हैं और टाइम हो चुका था 4 से 5, तो हमने एक एक से पूरे पापड़ ले लिए हैं जिसे एक सूपे में रख दिए। एक एक करके सारे पापड़ निकल ये पन्नी से अपने आप छूटने लगते हैं गाइस। तो अब हम आपको इसका ट्राई करके दिखा देते हैं कि हमारे पापड़ कैसे बने। तो इसके लिए आपको पैन लेना है, उसमें तेल डाल दीजिए एंड इसमें आप पापड़ डाल दीजिए। गाइस ये पापड़ बहुत मुझ पर उधर रहे थे इसके छींटे तेल के, इसलिए मैं दूर हो चुकी थी तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये हमने तल दिया है और देखिए हमारे पापड़ कितने ज़्यादा फूल गए। आप भी इसी तरह से के बनाइएगा गाइस, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट ईटिंग टाइम। तो हम और एक पापड़, तो हमने पापड़ तल लिए हैं, देखिए कितने वाइट वाइट हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको जितने पापड़ बनाना है एकदम इजी वे है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी, खाने में बहुत टेस्टी है। आपको दिखा देते हैं इसकी क्रिस्पीनेस, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।